वेलकम मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। फैंस पूछ रहे थे सन्नी देओल की सफर मूवी का क्या हुआ और आप सफर मूवी का अपडेट दो। तो लो भाई साहब, आ गया हूँ आपके लिए सफर मूवी की एक धमाकेदार अपडेट लेके। और हम जो अपडेट देते हैं वो 100% पक्की होती है, हम हवाओं में बात नहीं करते, आपको सबूत के साथ हम दिखाएंगे। आप सभी को पता ही होगा कि सलमान खान सफर मूवी में कैमियो करने वाले हैं। तो फाइनली पहुंच चुके हैं सलमान खान। सब बताऊंगा, इससे पहले प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ, पहले तो आप ये फोटो देखिए जिनमें हमें सलमान खान, सन्नी देओल और सफर मूवी के निर्देशक शशांक उदयपुरकर साथ में देखने को मिलते हैं। जी हाँ, ये फोटो सफर मूवी के सेट की फोटो है जहां पर भाईजान यानी कि सलमान खान सन्नी देओल के साथ सफर मूवी में जो उनका कैमियो होने वाला है वो शूट करने पहुंचे हैं और उसी सेट से ये फोटो निकली है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो इस मूवी की ऑलमोस्ट शूटिंग खत्म हो चुकी है और ये मूवी अब रिलीज होने की तैयारी में है। ये मूवी हमें थिएटर में नहीं लेकिन ओटीटी पर देखने को मिलने वाली है। लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार मेकर्स अभी इस पर चर्चा विचारना कर रहे हैं कि ये मूवी को थिएटर में रिलीज किया जाए। लेकिन सन्नी पाजी का कहना है कि ये मूवी को ओटीटी पर रिलीज किया जाए क्योंकि ये मूवी गदर 2 से पहले स्टार्ट हुई थी और इस मूवी का कॉन्सेप्ट इमोशनल मूवी होने वाली है। इस मूवी में हमें एक्शन इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, इसी वजह से सन्नी देओल इस मूवी को ओटीटी पर रिलीज करना चाहते हैं। अब आखिरी डिसीजन मेकर्स का होगा। फाइनली सलमान खान कैमियो शूट करने के लिए सफर के सेट पर पहुंच गए हैं और ये लास्ट शूट रहने वाला है सफर मूवी का। इसके बाद मूवी की सीधे रिलीज डेट अनाउंस कर दी जाएगी। तो आपको क्या लगता है, सन्नी देओल की ये सफर मूवी थिएटर में आनी चाहिए या ओटीटी पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सन्नी देओल और सलमान खान को एक साथ देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड है वो भी बताइएगा। और ऐसी खबरों के लिए आपके अपने भाई की चैनल पागल बॉलीवुड एसएम को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों।